कॉन्फिडेंस इज ऑल अबाउट स्टाइल और हम अपने आप को कैरी किस तरह करते हैं। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है बॉडी लैंग्वेज। अब आप लोग जरा देखिएगा, और अब आप लोग देखिएगा, जमीन आसमान का बॉडी लैंग्वेज से फर्क पड़ जाता है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज हम बात करेंगे जी कॉन्फिडेंस बूस्ट किस तरह कर सकते हैं। अच्छा, बाकी डिप्रेशन, घर वालों के मसले, स्कूल में मार पड़ती थी, सर से मार पड़ती थी, टीचर से मार पड़ती थी, सब चीजें अलग। जिन चीजों पे हम काम करके हम अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकते हैं, उसमें जी सबसे पहला पॉइंट ये है कि हम अपने आप को देखते किस तरह है, रखते किस तरह है। अच्छा, कॉन्फिडेंस बूस्ट बहुत ज्यादा होता है अगर हम लोग प्रॉपर अच्छे तरीके से तैयार हों। अब आप लोग इस बात से तो एग्री करेंगे ना, जब हम अच्छे लग रहे होते हैं हमारी फूफाइयां अलग होती है, हम अलग ही हवाओं में घूम रहे होते हैं कि हम बड़े अच्छे लग रहे हैं, कपड़े अच्छे पहने हुए हैं, बाल अच्छे लग रहे हैं, स्किन अच्छी लग रही है, तो इससे कॉन्फिडेंस हमारा बहुत ज्यादा बूस्ट होता है। जहां आप लोग को लगे आप लोगों का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है, फटाफट आप लोग जाएं वॉशरूम, मुंह हाथ धोएं, कपड़े चेंज करें, बाल थोड़े से सेट करें, एकदम आप लोग को अपना कॉन्फिडेंस अच्छा अच्छा नजर आएगा, बूस्ट नजर आएगा। दूसरी बात, हमेशा वो कलर्स पहने जो लगता है आप पे सूट करते हैं, उन कलर से दूर रहें जो लगता है आपको सूट नहीं करते हैं। जब आप वो कलर्स पहन लेते हैं जो आपको सूट नहीं करते, आप लोग को पता भी है लेकिन फिर भी आप लोग को वो सूट अच्छा लग रहा है जिस जो कलर आप पे सूट नहीं करता, आप लोग वो ले लेते हैं, तो फिर आप लोग एकदम डल होके बैठ जाते हैं, डिम होके बैठ जाते हैं, पता भी ये कलर सूट नहीं कर रहा लेकिन सूट अच्छा था ले लिया। नहीं, हमेशा वो कलर्स पहने जो आप पे सूट करते हैं। अच्छा, अब मैंने न्यू डिस्कवर किया कि मेरे पे इस तरह के सॉलिड ज्यादा अच्छे लगते हैं, बजाय कि मैं प्रिंटेड पहनूं या कुछ भी पहनूं, मुझे खुद फील होता है कि मैं सॉलिड पहन के ज्यादा अच्छी लगती हूं, तो इसलिए अब मैंने सॉलिड्स पे इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। लिटरली मैंने इतने ज्यादा सॉलिड ले लिए अब कपड़े, प्रिंटेड मैंने कोई भी नहीं लिया, या शर्ट और ट्राउजर मैं सॉलिड ले लेती हूँ, दुपट्टा प्रिंटेड हो जाता है, इस तरह कंट्रास्ट करके ले लेती हूँ, लेकिन अब फुल प्रिंटेड मैंने कोई नहीं लिया। नाइट सूट के अलावा मैंने कोई भी प्रिंटेड सूट नहीं लिया। उसके बाद जी आखिरी पॉइंट है खुद पे बिलीव। खुद के दिमाग में ये इंस्टॉल चीज करनी पड़ती है कि आप कॉन्फिडेंट है, कॉन्फिडेंट है, कॉन्फिडेंट है, फिर ब्रेन सिग्नल देता है दिमाग तक, ये दिल आ गया ना, दिल तक और फिर दिमाग तक कि हाँ जी आप कॉन्फिडेंट है। अगर आप लोग ये कहते रहेंगे नहीं मुझसे नहीं होगा, मैं कैसे करूंगी, नहीं हो ही नहीं सकता, मैं बोल ही नहीं सकती, चार लोग हैं मैं बोल ही नहीं सकती, मैं किस तरह फेस करूंगी, अच्छा उसने मुझसे ये सवाल कर लिया तो मैं क्या कहूंगी, ये सवाल कर लिया नहीं जवाब आता होगा, कह देना नहीं जवाब आता, सिंपल। अगर हम अपने फ्लॉज को खुद एक्सेप्ट करना शुरू कर देना तो हम बहुत सी डिप्रेशन से भी बच जाएंगे और अपने कॉन्फिडेंस भी हमारे अंदर बहुत ज्यादा बूस्ट होगा। छोटी सी मैं एग्जांपल देती हूँ, शुरू से ही मेरा मुंह हमेशा से बड़ा रहा है, ठीक है, मैं डाइटिंग भी कर लूँ नीचे से मैं पतली हो जाती हूँ, मुंह का ही मेरी हड्डी इतनी ही है, इतना ही रहता है। मैं खुद ही कह देती थी हाँ जी मेरा मुंह बड़ा है, शेरों जैसा मुंह है, शेरों के मुंह बड़े ही होते हैं। देखो छोटे छोटे, बेशक फ्लॉ नहीं है ये, अल्लाह की तरफ से है, जिस तरह जिसको भी जिस तरह बना दिया, लेकिन खुद अपने आप को खुद अपना मोल्ड कर देना उनकी बातों में, इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस। आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने कहना खत्म कर दिया, मैं अपनी चीज जो मुझे पता है सही नहीं है मैं उसको खुद ही मोल्ड करके मजाक बना देती हूँ, इससे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्ट हुआ। कोई अगर आपको किसी भी बात से टोकता है, आपके रंग के हवाले से, कद के हवाले से, किसी के भी हवाले से, मेरी हाइट 5'3" है, अक्सर मेरे बहन भाइयों की लंबी लंबी हाइट है तो वो मुझे कहते होते छोटो छोटो छोटो, हम सबकी देखो हाइट कितनी लंबी है, तो हाइट छोटी, मैं कहती हूँ मेरी हाइट ऐसी है कि मेरे पे हर चीज सूट करती है, मैं शॉर्ट शर्ट्स पहन लूँ सूट करती है, लॉन्ग शर्ट्स पहन लूँ सूट करती है, जीन शर्ट पहन लूँ सूट करती है, स्कर्ट्स पहन लूँ सूट करती है, तुम लोग पे क्या है, तुम लोग इतने लंबे लंबे, तुम लोग की टांगे इतनी लंबी लंबी नजर आने शुरू हो जाती है। यानी कि अपने आप को नीचे नहीं होने देना, ऊपर ही रखना है, वो बाप पे डिपेंड करता है आपने किस तरह अच्छे तरीके से दूसरे की इंसल्ट भी नहीं करनी और अपने आप को ऊपर भी रख लेना है। सबसे पहला पॉइंट अपने आप को बना संवार के रखें, दूसरा पॉइंट जो आप पे अच्छी चीज लगती है वो ही सिर्फ करें, तीसरा पॉइंट कि आप जैसे भी हैं परफेक्ट है। अगर आपको कोई पोक कर रहा है ना कि ये चीज तुम्हारी सही नहीं है, इस तरह तुम्हारा बात करने का स्टाइल ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, उसको उस हिसाब से मोल्ड करके आप लोग जवाब दें कि वो आप लोग को कहते हुए भी घबराए कि यार इसको तो फर्क ही नहीं पड़ता, दफा करो, इसके अंदर कॉन्फिडेंस ही इतना है जैसा है ठीक है। लोग फिर उस चीज को भी पसंद करना शुरू कर देते हैं जिस चीज की हम लोगों में कमी होती है। अब मैंने एक वीडियो में रैंडम बातें इतनी कर दी, मुझे समझ नहीं लग रही कि मैंने पता नहीं सही बोला है नहीं बोला, बस फ्लो में मैं बोलती गई हूँ। इसलिए आप सब लोग बिल्कुल परफेक्ट हैं, कॉन्फिडेंस आता है दिल से,
दिमाग से अपने आप को फीड करना पड़ता है कि हम कॉन्फिडेंट हैं। कोई भी बंदा कॉन्फिडेंट नहीं होता, एक ना एक स्टेज ऐसी आती है कि उसका दिल भी धक 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 कर रहा होता है, माचिस की तीली जलती है, जिस तरह खुशबू आना शुरू हो जाती है ज्यादा ऑडियंस पे बोलने वक्त। उसको चाहिए कि लंबे लंबे सांस लें, जब ऑडियंस पे जाना है, स्पीच करनी है, प्रेजेंटेशन देनी है, थोड़ा सा अपने आप को ना वो करें। एक्सरसाइज के बाद क्या करते होते हैं, पंप करें थोड़ा सा, आप लोग एकदम रिलैक्स हो जाएंगे लिटरली। और जिन लड़के में कॉन्फिडेंस की कमी है, आई कॉन्टेक्ट किया करें, आई कॉन्टेक्ट, डरा ना करें, ये नहीं कि आंखों में खो ही जाओ, प्यारी हो जाए प्यारी हो जाए लोगों, ठीक है आई कॉन्टेक्ट, फिर यहाँ मुंह थोड़ा सा नीचे मुंह, लेकिन बॉडी लैंग्वेज आपकी ऐसे होनी चाहिए कि आप ये ना हो कि डर रहे हो, झुके नहीं होने चाहिए कंधे, स्ट्रेट कंधे करें, हम क्यों झुका के बात करें, आंखें झुक जाए, कंधे क्यों झुके भाई। ये देखिए, अब आपको पता है आप खूबसूरत लग रहे हो, कोई अगर आपको आके छेड़े भी, क्या पहना हुआ है तुमने, कैसे बाल लग रहे हैं, लग रहे हैं यार जैसे लगने थे लग रहे हैं, अगली दफा और मेहनत कर लेंगे यार, क्या कर सकते हैं, गरीब बंदे ऐसे हम तैयार होते हैं। बंदा कोई ऐसे जवाब दे देता है कि हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट ही रहे, कोई भी हमारा कॉन्फिडेंस नीचे ना कर सके, अपनी पर्सनैलिटी ही ऐसी बनानी पड़ती है कि कोई बात करने से पहले थोड़ा सा सोचे कि इन्नू गल नहीं लानी, ऐ छिड़ जाएगी तो सानू भी छेड़ देगी। चलें जी, ये थी जी आज की वीडियो, उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। आप लोग बताएं आप लोग अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए किन किन बातों का ख्याल रखते हैं, और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। आऊंगी मैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जी राम रखा।